A player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. A. What is the direction of acceleration during the upward motion of ball? चाहे बॉल ऊपर फेंकी जाए चाहे नीचे फेंकी जाए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, क्योंकि धरती नीचे है, जहाँ धरती वहीं एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? हमने अभी बताया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पर जी कभी भी या एक्सेलरेशन कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, सेम रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को बताएंगे डायरेक्शन जरूर बताएंगे, एनी वेज एक्सेलेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने डायरेक्शन डाउनवर्ड बताया भी। फिर सी पार्ट आता है, तो बी पार्ट हो गया। टू व्हाट हाइट डज द बॉल रीच एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड? तो हमें निकालना है कितनी हाइट तक पहुँचती है, तो हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं एस बराबर, या अगर हमें टाइम मेंशन है तो हम तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करें, ये हम सी पार्ट कर रहे हैं, यू स्क्वेयर माइनस 2gh। सो फाइनली स्पीड जीरो हो जानी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, तो तय हम पूछा गया टू व्हाट हाइट डज द बॉल रीच, फाइनल स्पीड जीरो हो जानी चाहिए, तो इट इज 29.4 का स्क्वायर माइनस 2 × 9.8 × h। तो 29.4 × 29.4 डिवाइडेड बाय 2 × 9.8 ये हमें h दे देगा। मैंने 9.8 लिया इसीलिए आप सोच रहे होंगे हर बार 10 लेता हूँ, क्योंकि 29.4 की टेबल में, मतलब 9.8 की टेबल में 29.4 आता है, वो 3 बार कैंसिल होता है। ठीक है, दिस इज 14.7, तो वी हैव गॉट 42 and 21, दैट इज 44.1 मीटर। सो वी गॉट द आंसर हाइट। और फिर पूछा जाए हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, तो इसके लिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं कि भाई यहाँ से फेंका और वापस आ गया है ना, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो हम बस ऊपर जाने का टाइम निकाल लें तो हम डबल कर देंगे। तो ऊपर जाने में वेलोसिटी जीरो हो रही है, यू माइनस जी टी, जीरो स्टार्टिंग 29.4 माइनस 9.8 टी। सो हम तो पता चल गया कि टाइम 3 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल टाइम होगा 2t, दैट इज 6 सेकेंड्स, एंड दैट इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट का सेकेंड पार्ट।